तो आज बहुत दिनों बाद हम लोग बाहर गए थे। आप देख सकते हो मेरी बेटी बहुत ज़्यादा खुश है और साथ में हमने उसके लिए थोड़ा शॉपिंग भी किया। तो पहली बार हम लोगों ने उसके लिए एक कलर ख़रीदा है। ये कलर वो कभी यूज़ की नहीं है, वो दूसरे टाइप का पेस्टल कलर यूज़ करती है, तो ये कलर वो उसको पसंद आया था तो हम लोगों ने ये कलर उसको ख़रीद के दिया है। और हम लोग गए थे उसके बाद KFC खाने, क्योंकि KFC मेरी बेटी का बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो हम लोगों ने खाना तो ऑर्डर कर दिया था, बट अभी खाने का ऑर्डर कर लेने के लिए ना 15 से 20 मिनट लग ही जाता है। तो तब तक यहाँ पे चल रहा है कुछ एक्सपेरिमेंट, यहाँ पे बिल पे लिखा जा रहा है, उसका पापा देख रहे कि कैसे यूज़ किया जाता है इसको, और वो देख रही है, सीख रही है कि कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, कैसे ड्रॉ करते हैं। वैसे मेरी बेटी को ड्रॉइंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है, बट यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना, इसको अभी बहुत इनिशियल स्टेज में ये वीडियो ले गई थी, उसको ठीक से पकड़ने भी नहीं आता था। ओके, तो ये उसके पापा सिखा रहे हैं कैसे ड्राइंग करते हैं, कैसे पेंसिल को पकड़ते हैं। अभी तो मेरी बेटी को अच्छे से ड्राइंग करना आता है, बट इनिशियल स्टेज में ना उनके पापा जो है यानी अभिषेक ने सब कुछ सिखाया था, यानी कैसे लिखते हैं, कैसे ड्राइंग करते हैं, कैसे पेंसिल को होल्ड करते हैं। हमारे यहाँ पे बंगाल का रिचुअल है कि यहाँ पे सरस्वती पूजा में ना हाथी कोड़ी दिया जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं बंगाली में हाथी कोड़ी। पता नहीं किसी और स्टेट या किसी और रिलीजन पे ये सब मानते हैं कि नहीं, बट हम लोग के यहाँ पे हाथी कोड़ी होता है, बट मेरी बेटी का ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो उसका जो हाथी कोड़ी है ना, उसके पापा ने ही सिखाया है, सब कुछ पापा ने ही किया है। और ये मेरी बेटी का फेवरेट फ्रेंच फ्राइज आ गई है, तो ये सिर्फ फ्रेंच फ्राइज खाने के लिए KFC जाती है, तो हम लोग को भी थोड़ा बहाना मिल जाता है KFC जाने का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो वीडियो कर रही है ना, वो मेरी बेटी वीडियो कर रही थी, और यहाँ पे सिर्फ फ्रेंच फ्राइज खाएगी और हम लोग देखेंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो हम लोगों ने एक मील मंगा लिया था, हम लोग बर्गर खा रहे थे और मेरी बेटी फ्रेंच फ्राइज एंजॉय कर रही थी।